हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोनोब्लॉक 0.5 HP मोटर का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, स्लिप के सहारे से हम इसकी कॉइल पिच निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी कॉइल पिच निकाल लीजिए। और इसकी कॉइल पिच निकालने के बाद इस स्लिप के सहारे से कॉइल को नाप लीजिए। और नापने के बाद कॉइल को बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने कॉइल को नाप लिया हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसी के नाप के हम दो कॉइल बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से फरमे पे आप कॉइल को नाप लीजिए। और नापने के बाद इसको टाइट कर दिए। तो चलिए, हमने इसको रिंच से टाइट कर देते हैं और फिर कॉइल बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने कॉइल को नाप लिया हूँ और अब इसकी कॉइल बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉइल 140 टन 28 नंबर से। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी कॉइल बनाते हैं। तब तक दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी को भी दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट कॉइल बन चुकी है, अब हम सेकंड कॉइल बनाएंगे। स्टार्टिंग की सेकंड कॉइल पिच 145 टन 28 नंबर। तो चलिए दोस्तों, हमारी सेकंड भी कॉइल बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कॉइल को निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कॉइल को डालते हैं 1 से 10 में। इसकी कॉइल पिच रहेगी 1 से 10। तो दोस्तों, हमने कॉइल को एक साइड में आराम आराम से डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी कॉइल एक तरफ पड़ चुकी है। अब हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्लॉट पेपर लगा लिया हूँ। अब दूसरी साइड का कॉइल भी डाल रहे हैं। दोस्तों, कॉइल को हल्का पतला करके सहारे से डालिएगा, इसकी पॉलिश उतर ना पाए। तो देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी तरफ की भी कॉइल पड़ चुकी है। अब इसकी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉइल पड़ चुकी है। अब इसके ऊपर के डालते हैं दूसरी कॉइल। इसका कॉइल पिच रहेगा 1 से 12। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल डालते हैं। दोस्तों चलिए, मैंने एक तरफ की कॉइल आराम आराम से डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्लॉट पेपर लगा देते हैं और दूसरी तरफ की कॉइल भी आराम से डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ की कॉइल हमारी पड़ चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की कॉइल डाल रहे हैं। तो
दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल भी पड़ चुकी है, अब इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने स्लॉट पेपर लगा के कंप्लीट कर लिया। अभी हमारी स्टार्टिंग की एक कॉइल पड़ चुकी है, अब हम दूसरी कॉइल डालेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल फर्स्ट वाली डाली है उसी तरह से हम सेकंड कॉइल भी डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने दूसरी कॉइल बैठाने में वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दी हूँ। देखिए दोस्तों हमारी फर्स्ट कॉइल भर चुकी है, अब हम सेकंड कॉइल भरते हैं। इसकी कॉइल पिच रहेगी 1 से 12। दोस्तों देखिए हमारी सेकंड कॉइल भी एक तरफ की भर चुकी है और दूसरी तरफ भरने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने स्लॉट पेपर लगा लिया हूँ, अब दूसरी कॉइल भी आराम आराम से बाइंडिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारी दूसरी भी कॉइल भर के कंप्लीट होने वाली है। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी को भी दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों हमारी कॉइल बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों हमारी कॉइल बन के कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे और कनेक्शन करेंगे। क्योंकि सिलाई करेंगे तो इसमें दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसकी कनेक्शन और सिलाई करके इसको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहिए, इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई के बाद वार्निश करके इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग में आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारी मोटर बनकर कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करेंगे, देखते हैं, इसकी वाइंडिंग की है मैंने और देखते हैं कैसा चल रहा है। देखिए दोस्तों मैंने बांध के इसको फ्री कर लिया हूँ, बीच में पंखे लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगा कर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम 10 UFD का कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए 10 UFD का कैपेसिटर लगा कर इसको चेक करेंगे। इसको हम पंखे बांध लेते हैं, इसके बाद में इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये दोस्तों इसके पंखे को हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी पंखे बन गई है, अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे। कैपेसिटर का तार जोड़ लेते हैं। दोस्तों इसका हम कैपेसिटर का तार जोड़ लिए हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसको सीरीज से चेक कर लेते हैं। दोस्तों सीरीज से इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहीं करंट तो नहीं उतर रहा है। चलिए दोस्तों ठीक ठाक है, करंट नहीं उतर रहा है। अब हम इसको मेन पे लगा के चेक करते हैं, फुल करंट देते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है। दोस्तों इसका मेन तार एक जोड़ लिया और जोड़ने के बाद इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसको हम लगा देते हैं और लगाने के बाद इसकी स्विच ऑन कर देते हैं। चलिए दोस्तों हमारा मोटर बढ़िया चल रहा है। अगर दोस्तों इसका वाटर सील भी चेक करना है तो इसमें पानी डालते हैं। चलिए दोस्तों इसमें पानी डाल के
और अभी चेक करके आपको बता रहे हैं वाटर सील सही है या नहीं। चलिए दोस्तों, हमने पानी इसमें डाल दिया हूँ, अब देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया हूँ और बढ़िया चल रहा है। अभी देखिए वाटर सील सही, हाथ कितना है चलिए थोड़ा निकालो। या भैया,